डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 88 साल की हुई भारतीय वायुसेना इंडियन एयरबेस पर जमकर गर्जा राफेल, F-35 और अपाचे ने भी दिखाए करतब। कोरोना महामारी से बचाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर से शुरू किया जन आंदोलन, कहा जब तक नहीं बनता है वैक्सीन तब तक बरतें सावधानी। राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, एक हफ्ते में नोटिफिकेशन जारी कर कराने होंगे निकाय चुनाव। त्योहारी सीजन को देखते हुए रेलवे करेगी ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी, दिल्ली जयपुर डबल डेकर ट्रेन फिर से होगी शुरू। चलिए बात करते हैं अमेरिका चुनाव की। तो अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के लिए बहस हुई। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक पेंस के बीच सॉल्ट लेक सिटी में डिबेट हुई। हैरिस ने इस दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति माइक पेंस पर जमकर हमला बोला। दोनों उम्मीदवारों ने बहस के दौरान अलग अलग मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर तीखा जुबानी हमला किया। बहस के दौरान कमला हैरिस ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस महामारी की प्रकृति के बारे में सूचित किया गया था कि वह बहुत घातक है, इसके बावजूद आज भी उनके पास इससे निपटने के लिए कोई कार्ययोजना नहीं है, जबकि जो ब्रिटेन के पास योजना है। आज भारतीय वायुसेना ने अपने 88 साल पूरे कर लिए हैं। मुख्य समारोह हिंडन एयरबेस पर हुआ, जहाँ राफेल, सुखोई, LCA, तेजस, जगुआर ने आसमान में भारत की ताकत दिखाई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने कहा कि मैं राष्ट्र को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय वायुसेना विकसित होगी और देश की संप्रभुता और हितों की रक्षा के लिए सभी परिस्थितियों के लिए तैयार रहेगी। वहीं इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वायु वीरों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ अपने ट्विटर पर जन आंदोलन की शुरुआत की है। मोदी ने आगामी त्योहारों, ठंड के मौसम और अर्थव्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर COVID-19 से निपटने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री ने सिलसिलेवार ट्वीट कर लोगों से आग्रह किया कि जब तक कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कोई टीका नहीं बन जाता तब तक उन्हें हर सावधानी बरतनी होगी और तनिक भी ढिलाई नहीं करनी है। उन्होंने कहा, कोरोना वायरस से बचें, हाथ धोएं बार बार, सही से मास्क पहने, निभाएं 2 गज की दूरी, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। मोदी ने कोरोना वायरस से बचाव संबंधी संदेशों के साथ तस्वीरों को भी साझा किया। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को नगर निकाय चुनावों को लेकर राहत नहीं दी है। कोर्ट ने जयपुर, जोधपुर और कोटा की नवसृजित 6 नगर निगमों के चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सप्ताह में चुनाव नोटिफाई करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने चुनाव 31 अक्टूबर तक कराए जाने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। इस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने चुनाव की तारीखों को टालने से मना कर दिया है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जयपुर, जोधपुर, कोटा नगर निगम में 31 अक्टूबर तक चुनाव कराने होंगे। भारत में कोरोना की रफ्तार में एक बार फिर से तेजी देखी गई है। पिछले कुछ दिनों से संक्रमितों की संख्या में कमी देखी गई है। पिछले 24 घंटे में 78,524 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 971 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 68,35,656 हो गई है। वहीं देश में सक्रिय मामलों की संख्या 9,02,425 है, जिसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है। दूसरी तरफ इस वायरस से चलते जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 1,05,226 हो गई है। छत्तीसगढ़ के लोरमी ग्राम पंचायत के लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर तहसील कार्यालय का घेराव किया। वार्ड 10 और 11 मझगांव के ग्रामीणों के अवैध कब्जा और फर्जी पट्टा जारी करने के मामले में वार्ड पार्षद घनेन्द्र राजपूत के नेतृत्व में तहसील कार्यालय का घेराव किया गया और जमकर नारेबाजी की। वहीं इस संबंध में भाजपा के पूर्व विधायक तोखन साहू ने सरकार पर निशाना साधा। पूरे मामले को लेकर लोरमी अनुभागीय अधिकारी नवीन कुमार भगत ने कहा कि दोनों मामलों में जाँच के लिए लोरमी तहसीलदार को आदेशित किया गया है। मांगों को लेकर यहाँ तहसील कार्यालय में आंदोलन के लिए आए हैं। पहला मांग है कि कांग्रेस एल्डरमैन, नगर पंचायत के जो वर्तमान एल्डरमैन है पालेश्वर राजपूत और उसके चाचा चूरामणि राजपूत के द्वारा शासकीय भूमि पर 13 डिसमिल पर अवैध कब्जा किया गया है, तार और एंगल से गाड़ दिया गया है, उसके लिए आए हैं। और दूसरा मामला यह है कि अवैध पट्टा जारी किया गया है। आज से 10 दिन पूर्व हम लोग आवेदन दिए थे कि तिलकपुर निवासी रामलोचन जायसवाल के नाम पर अवैध पट्टा जारी किया है, नहीं उनके नाम में सर्वे सूची में नाम है, पट्टा में नहीं उस वार्ड का मतदाता है, फिर भी उनके नाम में अधिकारियों द्वारा अवैध पट्टा जारी किया गया है। हम इसी बात की तो मांग कर रहे हैं कि सरकार उस पर जांच करवाए और जो भी अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करे। अवैध पट्टा क्यों मिल रहा है, इस तरह की व्यवस्था पहले नहीं थी, अब वही काम क्यों हो रहा है,
तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की संलिप्तता है, इसलिए यह कार्य हो रहा है। वो पाया गया है, अवैध कब्जा हुआ है और तहसीलदार उसको जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ की मुंगेली में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन करते हुए भाजपा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर पूर्व विधायक और संसदीय सचिव तोखन साहू के नेतृत्व में SDM को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। पूर्व विधायक तोखन साहू ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई कृषि बिल पर जनता को गुमराह कर रहे हैं, जबकि केंद्र की BJP सरकार के द्वारा लागू कृषि बिल किसानों के हित में है। जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन कार्यक्रम था। विषय यह था कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के द्वारा जो लोगों को भ्रमित करने का जो काम ये लोग कर रहे हैं कृषि बिल को लेकर के, कृषि बिल किसानों के हित में क्रांतिकारी कदम है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो पारित की है वह इस पर देश के लोगों को गुमराह करना चाहती है, और ये कांग्रेस का ट्रेंड रहा है कि किसी भी बिल पर वो लोगों को भड़काए, दंगा फसाद कराए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज जो जन विरोधी जो भूपेश सरकार है उनके विफलताओं को लेकर के आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था और आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। ये जो ये धान खरीदी और पंजीकरण के संबंध में आज ज्ञापन इसको देख रहे हैं और त्योहारी सीजन को देखते हुए रेलवे ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी करेगी। यात्रियों के आने जाने के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ट्रेनों की संख्या बढ़ाने जा रहा है। उत्तर पश्चिमी रेलवे 2 और पैसेंजर ट्रेनों की शुरुआत करने जा रहा है। इसमें एक जयपुर से दिल्ली के लिए चलने वाली डबल डेकर ट्रेन फिर से शुरू की जा रही है। इसके अलावा एक ट्रेन बाड़मेर से यशवंतपुर की ओर चलेगी। आगामी दिनों में दशहरा और दिवाली समेत कई त्यौहार आने वाले हैं। इन अवसरों पर लोग अपने घर जाना चाहेंगे। सफर के लिए उनकी पहली प्राथमिकता ट्रेन ही होती है। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने देश भर में 39 नई पैसेंजर ट्रेनें और चलाने को हरी झंडी दे दी है। ये सभी 39 पैसेंजर अलग अलग रेलवे जोन से चलेंगी। इसमें राजस्थान में उत्तर पश्चिम रेलवे के हिस्से में 2 ट्रेन आई हैं। पहली जयपुर दिल्ली डबल डेकर ट्रेन है और दूसरी बाड़मेर से यशवंतपुर के लिए चलेगी। जैसा कि आपको पता है कोरोना में ट्रेन संचालन बिल्कुल बंद हो गया था। उसके बाद दिल्ली अहमदाबाद दिल्ली राजधानी स्पेशल एक्सप्रेस शुरू हुआ था। वो बढ़ते बढ़ते अब जो उत्तर पश्चिम में रेलवे से ट्रेनें जो चलती हैं या यहाँ से पास होती हैं उसकी संख्या कुल 50 हो चुकी है। इसमें अभी लेटेस्ट हमें 2 ट्रेनें और मिली हैं जिनका संचालन अभी जल्दी किया जाएगा। इसमें एक बाड़मेर यशवंतपुर बाड़मेर साप्ताहिक ट्रेन जो हफ्ते में एक बार चलेगी, और एक जयपुर दिल्ली जयपुर डबल डेकर ये डेली ट्रेन, ये भी स्पेशल ट्रेन ये हमें मिल चुकी है। तो कुल मिला के अभी यहाँ से 27 स्पेशल ट्रेनों का पेयर शुरू हो जाएगा। चूँकि अभी आने वाले वक्त में दशहरा दिवाली और त्यौहार का मौसम आ रहा है, तो मेरी पैसेंजर से रिक्वेस्ट रहेगी, अपील रहेगी कि वो कंफर्म टिकट में ही चलें, कंफर्म होने के बाद ही सफ़र शुरू करें। ऑथराइज सोर्सेज से टिकट लें, किसी टाउट से दलाल से टिकट ना लें। अपने जो वस्तुएं जो उनके सफ़र के लिए ज़रूरी हैं उसको घर से लेके चलें, और स्टेशन पे मास्क का उपयोग करें, ट्रेन में मास्क का उपयोग करें, और हाइजीनिक तरीके से और कोविड रिलेटेड जो भी प्रोटोकॉल है उसका पालन करके ही सफ़र तय करें। IPL में आज सनराइज़र हैदराबाद और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच मुकाबला होगा। ये मुकाबला दुबई के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। डेविड वार्नर की कप्तानी वाली सनराइजर हैदराबाद ने IPL में अभी तक 5 मैच खेले हैं जिनमें से 2 में जीत और 3 में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं KL राहुल की कप्तानी वाली किंग्स इलेवन पंजाब ने अभी तक 5 मैच खेले हैं जिनमें से 1 में जीत और 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। हार की हैट्रिक से पंजाब परेशान है और कप्तान KL राहुल के लिए निश्चित ही ये चिंता का विषय है। वे हैदराबाद के खिलाफ जरूर जीत की पटरी पर लौटना चाहेंगे। दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला टक्कर का होगा। दोनों ही टीम वापसी का बेताबी से इंतजार कर रही हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।